नीदरलैंड्स ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में साउथ अफ्रीका को हराकर फैंस की मौज कर दी थी। इसके बाद ढेर सारे मीम्स वायरल हुए और साथ ही वायरल हुई एक फोटो जो एक बॉलर से जुड़ी हुई थी। हालांकि इस फोटो के वायरल होने में मोहम्मद रिजवान का भी हाथ था। ये फोटो रिजवान की नमाज कंट्रोवर्स के बाद से ही चर्चा में थी। फोटो साउथ अफ्रीका के बॉलर केशव महाराज के बल्ले की थी और वायरल इसलिए हुई क्योंकि इस पर एक खास स्टीकर लगा है। मैच के दौरान बड़ी स्क्रीन पर दिखे केशव के बल्ले पर ओम का स्टिकर लगा हुआ था। केशव के बल्ले पर पहले भी ये स्टिकर पाया गया है। वो हिंदू धर्म को मानते हैं और वो भारतीय मूल के ही हैं। केशव फिलहाल साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम का अहम हिस्सा है। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उनका नाता उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले से है। केशव के पूर्वज करीब 150 साल पहले सुल्तानपुर से जाकर दक्षिण अफ्रीका के डरबन में बस गए थे। दक्षिण अफ्रीका में बसने के बाद भी केशव सनातन परंपरा और हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। वो कई मौकों पर इसका सबूत भी दे चुके हैं। केशव हाल ही में भारत दौरे पर आए थे और उस वक्त उन्होंने तिरुवनंतपुरम में पवित्र पद्मभस्वामी मंदिर के दर्शन किए थे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी। केशव ने 2022 में शादी की। उनकी पत्नी लैरिशा मुनसामी, जो लंबे समय से उनकी गर्लफ्रेंड थी, एक कथक डांसर हैं। दोनों ने लंबे समय तक एक साथ समय बिताने के बाद शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया और भारतीय परिधान में शादी की। दोनों ने 3 साल पहले ही सगाई कर ली थी पर कोविड की वजह से शादी में देरी हुई। मैच में क्या कुछ हुआ ये भी आपको बता देते हैं। केशव महाराज ने नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार बैटिंग की थी। उन्होंने 37 गेंदों में 40 रन की पारी खेली थी पर इतना काफ़ी नहीं था। इसके बावजूद नीदरलैंड्स ने मैच में 38 रन से जीत दर्ज की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच खेला गया था। साउथ अफ्रीका के कैप्टन टेम्बा बावुमा ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। 82 रन पर नीदरलैंड्स के 5 बल्लेबाज वापस भी लौट गए थे, यानी टॉप ऑर्डर वाली समस्या बावुमा के सामने नहीं थी। पारी को संभालना नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने शानदार बैटिंग की और 78 रन बनाए। उसकी मदद से उन्होंने टेलेंडर्स के साथ पारी को आगे बढ़ाया और जैसे तैसे टीम को एक बेहतर स्कोर तक लेकर गए। इसके बाद रोलोफ वेंडमर्व और भारतीय मूल के बॉलर आर्यन दत्त की भी तारीफ होनी चाहिए। वेंडमर्व ने 19 बॉल में 29 और आर्यन ने 9 बॉल में 23 रन कूटे। सब मिला जुलाकर नीदरलैंड्स की टीम 245 रन बना गए। बता दें रोल्फ वेंडमर्व 2010 तक साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे, उसके बाद उन्होंने नीदरलैंड्स के लिए खेलना शुरू कर दिया। दिलचस्प ये भी है कि नीदरलैंड्स दल के 9 बंदों की जड़ें साउथ अफ्रीका से हैं ही। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को हराकर आ रही टीम के लिए ये 246 रन का चेज आसान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका ने पहले विकेट के लिए 36 रन जोड़े। आसानी से क्विंटन डीकॉक पिछले 2 मैच में शतक लगाकर आए थे, गजब की फॉर्म। उनके साथ टेम्बा बावुमा भी आसानी से रन बना रहे थे। हालांकि फिर विकेट्स गिरने की कड़ी शुरू हुई। 36/1, 39/2, 42/3 और इसके बाद मैदान पर होती है पर्ची की एंट्री। पर्चियां आई नीदरलैंड्स के डगआउट से और यहीं से मैच पूरा का पूरा पलट गया और साउथ अफ्रीका की टीम इस मैच को गवा बैठी। इसकी वजह से हमेशा कहा जाता है साउथ अफ्रीका को कि शायद चोकर्स ऐसे ही होते हैं। अब देखते हैं आगे साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स दोनों कैसा प्रदर्शन करते हैं। बाकी इस हफ्ते इंडिया बांग्लादेश मैच के बाद भारत का भी एक बड़ा मुकाबला है, यानी इंडिया न्यूजीलैंड। उसके लिए भी ललन टॉप स्पोर्ट्स की टीम ने खास तैयारी की है। हमारे चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहीं पर आपको विश्व कप से जुड़े तमाम वीडियोज़ मिलेंगे। शुक्रिया।